इंसानियत के दुश्मनों का घिनौना वार। पारा चिनार में मुसल्ला अफराद का स्कूल पर हमला, अंधाधुंध फायरिंग करके 7 असातिज़ा को शहीद कर दिया। पाक अफगान सरहद के करीब स्कूल में खौफनाक वारदात। शिलवाजन रोड पर मुसल्ला अफराद ने चलती गाड़ी पर फायरिंग करके एक टीचर को कत्ल किया। उसके बाद स्कूल में घुस गए, सीधा स्टाफ रूम गए, वहां मौजूद टीचर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, 6 को शहीद किया। जाबहा का साजा गवर्नमेंट हाई स्कूल तरी मैंगल में मैट्रिक इम्तिहानी ड्यूटी पर तैनात थे। शहदा में मीर हुसैन, जवाद हुसैन, नवीद हुसैन, जवाद अली, मोहम्मद अली और अली हुसैन जामिल। डीपीओ कोरम एजेंसी के मुताबिक हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। वाकये के बाद जिला भर में आमदरफ्त के रास्ते बंद, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कोहार तालीमी बोर्ड के जरिए तमाम 28 अप्रैल से जारी मैट्रिक इम्तिहानात गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत समेत सियासी शख्सियात की वाकये की शदीद मजम्मत। आरिफ अलवी ने कहा, इन दुश्मनों की जानिब से असातिज़ा पर हमला काबिले मजम्मत है, उम्मीद है मुल्ज़िमान को जल्द कानून के मुताबिक सजा दी जाए। 6 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग, FC के 6 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शाहता में हवालदार सलीम खान, नायक जावेद इकबाल, सिपाही नसीर खान, सिपाही हसरत बिलाल, सिपाही सैयद रजब हुसैन और सिपाही बिस्मिल्ला जान शामिल। जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में कहा, टैंकों में तेल नहीं। हैरान था ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो ये बात करता है। चेयरमैन PTI इमरान खान के इल्जाम, कहा नहीं चाहता था अदलिया से इख्तलाफ हो। पाकिस्तान में एक तबका चोरी करके NRO ले लेता है, एक तबका बंदे उठाता है जिसको कोई पूछने वाला नहीं। मेरे खिलाफ मुकदमात में तेजी से इजाफा किया जा रहा है, डबल सेंचुरी होने वाली है। क्रिकेट में भी मैंने डबल सेंचुरी नहीं की थी। ये भी कहा, हमारे मुजाकरात TTP नहीं, नई अफगान हुकूमत से हुए थे। बात चल रही थी कैसे TTP को वापस भेजना है, मगर हुकूमत ही चली गई। PDM हुकूमत ने आकर फिर किसी चीज की परवाह नहीं की। इमरान खान की 7 मुकदमात में 10 रोजा जमानत मंजूर। व्हीलचेयर पर चेयरमैन PTI अदालत में पेश। बगावत, इकदाम कत्ल और जुडिशल कमीशन में तोड़फोड़ समेत दीगर केसेस की समाअत। अदालत ने कहा, आपको अपना बयान रिकॉर्ड कराना है, कानून में कुछ इस्तिस्ना है तो बता दें, तफ्तीशी अफसर मौजूद हैं, आप अपना बयान रिकॉर्ड करा दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम आपको रिलीफ देना चाह रहे हैं, आप नहीं लेना चाहते तो ठीक है। एडवोकेट जनरल का मेडिकल रिपोर्ट पर एतराज। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, इमरान खान जख्मी हालत में आए, उनकी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा, इमरान खान की पेशी पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जलाई गईं। फवाद चौधरी के बार बार बोलने पर जजेस उठकर चले गए। अदालत बुलाए तो गोली, प्लास्टर, बांसुरी, बाल्टी और अब व्हीलचेयर। कौम को घरों से निकालने से पहले खुद तो घर से बाहर निकलो। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब के तंज़िया वार, कहा व्हीलचेयर पर बैठकर इल्ज़ाम तराशी के बजाय सबूत पेश करो। तुम्हारी जान को जिससे खतरा है अदालत जाकर सबूत दो। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अदातारत ने कहा कि जख्मी टांग से रैली निकाली जा सकती है, पेशी के लिए तकलीफ होती है। इमरान खान अदालतों से रिलीफ लेने का माहिर हो चुका है, तारीख भी अपनी मर्जी की लेता है। इमरान खान की शादी की तकरीब और निकाह फ्रॉड था, निकाह इद्दत के दौरान ही हुआ। इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओन चौधरी ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह से मुतालिक केस की समाअत। ओन चौधरी ने कहा, बुशरा बीबी की इद्दत 18 फरवरी 2018 को मुकम्मल होनी थी, निकाह 1 जनवरी को हुआ। बुशरा बीबी को हुक्म मिला था 2018 के पहले दिन निकाह करने पर इमरान खान वजीर आजम बनेंगे। उसी पेशगोई पर 1 जनवरी को निकाह की तकरीब हुई। बुशरा बीबी ने ही इमरान खान से रेहम को फौरी तलाक देने का कहा। पहला निकाह लाहौर, दूसरा बनीगाला में हुआ। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाल तलब, समात 10 मई तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अयाज सादिक ने कहा, मोहसिन जज पर काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं, एक जज की वजह से अदलिया की बदनामी हो रही है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बताना चाहिए कि उनके ज़राए आमदन क्या है। मोहसिन जज बताएं, उन्होंने कहाँ से जायदाद बनाई, कितना टैक्स दिया।